जिला ऊना में खनन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर द्वारा खनन माफिया पनपने का कारण कांग्रेस को बताने के बाद कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा ने कंवर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2 साल सत्ता संभालने के बाद भी भाजपा अपनी गलतियों का ठीकरा कांग्रेस पर ही फोड़ रही है। रायजादा ने कहा कि जिला ऊना में खनन माफिया को पुलिस और भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। रायजादा ने कहा कि अवैध खनन के चलते जिला ऊना सबसे बड़ा 1400 करोड़ का स्वां तटीकरण प्रोजेक्ट तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा खनन के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर हल्ला बोलने के बाद पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने खनन के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकार को ही जिम्मेवार ठहराया था। अब ऊना सदर से कांग्रेस के विधायक सतपाल रायजादा भी इस जुबानी जंग में कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते खनन पर लगाम न लगाई गई तो 1400 करोड़ का स्वां नदी तटीकरण प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि वीरेंद्र कंवर जी जो मंत्री बने हैं उनको बने हुए 2 साल हो गया और उनको अभी तक ये लग रहा कि अभी उनकी सरकार को बने हुए 2 दिन ही हुए हैं और सत्ता का जो नशा है उनके ऊपर पूरा हावी लग रहा है। मुझे उनको ये याद होना चाहिए कि 2 साल बीत गए हैं, अब सिर्फ 3 साल आगे रह गए हैं और 2 साल के बाद भी अगर वो अभी कांग्रेस की गलतियां ही निकालने में लगे हुए हैं तो ये अपना काम कब गिनाएंगे कि इन्होंने क्या काम किए हैं।